प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना तीसरा पाठ युवक का हट पढ़ेंगे। तो पाठ है तीसरा युवक का हट। इसके लिखित प्रश्न उत्तर पे हम लोग कल हमने लिखित प्रश्न उत्तर में क्या किया था, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। और शब्द थे कट्टर, सुविधा, संघर्ष, सक्रिय और संकेत। तो आज हम एक बार इसको दोहरा लेते हैं और उसके बाद हम अपने तीसरे प्रश्न में लिखित प्रश्न उत्तर पे जाएंगे, जो कि आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो एक बार इन शब्दों को दोहरा लेते हैं। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। इनका अर्थ भी मैंने आपको बताया था। कट्टर का मतलब होता है कड़े, हठी। सुविधा आपको पता है, किसी काम को करने की आसानी, सहूलियत। संघर्ष को होड़ या टक्कर भी कहा जाता है। सक्रिय, क्रियाशील के लिए कहा जाता है। और संकेत, इशारा करने को संकेत कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं। क, पहला वाक्य, वैशाली विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में रिक्त रूप से भाग लेती है। तो इसका उत्तर था सक्रिय रूप से भाग लेती है। वैशाली विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती है। ख है, संकेत मिलते ही, आगे से रिक्त स्थान था, संकेत मिलते ही सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। तो हमने रिक्त स्थान में क्या भरा, संकेत, इशारा कहा जाता है। तो संकेत मिलते ही सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। ग है, कई स्कूलों में पेयजल की रिक्त स्थान नहीं है। तो यहाँ पे सुविधा, कई स्कूलों में पेयजल की सुविधा नहीं है, ये तीसरा वाक्य था। चौथा है, गांधी जी छुआछूत के रिक्त स्थान विरोधी थे। गांधी जी छुआछूत के कट्टर विरोधी थे। और पांचवा और अंतिम वाक्य है, भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। तो रिक्त स्थान में हमने संघर्ष भरा है इसमें। और आज हम अपने लिखित प्रश्न उत्तर पे चले। तो आप अपनी नोटबुक भी निकाल लीजिए और हम इसे हल करेंगे एक एक करके। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, पहला लिखित प्रश्न। ये प्रश्न तीन है, आपने देखा इसे, ये है प्रश्न तीन। प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्या है, कब, गणेश शंकर विद्यार्थी कैसे व्यक्ति थे। गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, तो विद्यार्थी नाम है, सरनेम आप कह सकते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी कैसे व्यक्ति थे, कैसे व्यक्ति थे, व्यक्ति थे। ये प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, पूर्ण विराम नहीं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो हमने पाठ के अनुसार हम देखेंगे, हठी थे सबसे पहले बात। हमें हठी कहाँ से मिला, पाठ के शीर्षक से ही मिला, युवक का हट। तो वे हठी थे। और क्या है, साहसी। ये हमें कहाँ से मिला, जब वह रेलगाड़ी के सामने आके खड़े हो गए कि मैं रेलगाड़ी के सामने से तब तक नहीं हटूंगा जब तक कि रेलगाड़ी में और डब्बे नहीं जोड़े जाते। तो ये जरा शब्दों को देखिएगा, हम कहाँ कहाँ से शब्द ले रहे हैं। हठी हमें लिखा
शीर्षक से युवक का हट, तो एक हमें एक बात पता चली वे हठी थे, उसके बाद वो साहसी थे। कहाँ से साहसी का पता चला? रेल के इंजन के सामने आ जाना, उसके बाद हम कहेंगे कि वे डरते नहीं थे। वे अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने काफ़ी लेख लिखा, उसको उन्हें कितनी बार जेल भी जाना पड़ा, तो हम ये नहीं कह सकते कि वह डरपोक थे, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत लेख लिखे थे जिसके कारण उन्हें कई बार जेल में भी जाना पड़ा। तो साहसी भी हो गया, हठी भी हो गया, वे एक अच्छे लेखक भी थे। उनका लेखन के बारे में भी बताया गया पाठ में कि बड़े बड़े विद्वान भी उसकी उनकी लेखन की का लोहा मानते थे। तो जो अखबार में लेख लिखते थे वे भी बहुत अच्छे लेख लिखा करते थे, तो ये भी सही है कि वे एक अच्छे, उनका लेखन विद्वानों द्वारा सराहा जाता था, यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वान उनका लोहा मानते थे, उनका लेखन में उसका उनका आधिपत्य था। तो ये गुण हैं, तो हमें यही बताने हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी कैसे व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व और उनकी खासियत हमें इसमें बतानी। तो वह दिखने में कैसे थे? साधारण से, साधारण से दिखने वाले, ये भी हमें पाठ में दिया गया, तो ये भी हम जोड़ सकते हैं प्रश्न कि गणेश शंकर विद्यार्थी साधारण से दिखने वाले हठी साहसी, और हम कहेंगे सांप्रदायिकता के घोर विरोधी थे। तो ये तीनों चीज हम इसमें लगा सकते हैं, या फिर हम इसको छोटा भी लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसी का उत्तर। गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर, गणेश शंकर विद्यार्थी गणेश शंकर विद्यार्थी साहसी हठी तो हमने ये सब जो आपको चर्चा किया है वही हम उसमें डाले जा रहे हैं। साहसी का कारण बताया, वे अंग्रेजों से वे संघर्ष उन्होंने किया था, वे डरते नहीं थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन अंग्रेजों के खिलाफ और देश के लिए समर्पित कर दिया था, तो यही हम लिख रहे हैं। तो आगे चलते हैं और गरीबों के हमदर्द, हठी और गरीबों के हमदर्द, ये भी पाठ में लिखा गया है, हम ये भी लिख सकते हैं गरीबों के हमदर्द, हमदर्द थे। तो ऐसे लिख सकते हैं, क्यों ये क्यों दिया है गरीबों के हमदर्द थे, खुद वो गरीब, गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था और वह इस कारण से उच्च शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर पाए थे, लेकिन वो गरीबों के लिए हमेशा तैयार रहते थे, लड़ने के लिए, उनका साथ देने के लिए। और ये हमने पाठ से भी देखा, जब कानपुर स्टेशन में यात्रियों को टिकट ले करके भी सुविधा से उनको और सुरक्षा से सीट नहीं मिल रही थी, तो वे स्टेशन मास्टर के पास लोगों के लिए गए। तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी कैसे व्यक्ति थे? गणेश शंकर विद्यार्थी साहसी हठी और गरीबों के हमदर्द थे। तो इस तरह से हम लिखा जा सकता है।
और क्रांतिकारी भी आप कह सकते हैं, या फिर सांप्रदायिकता के घोर विरोधी थे इस तरह भी हम कह सकते हैं, या देशभक्त भी कह सकते हैं। तो इसमें ये तीनों ही चीज वे एक सच्चे देशभक्त थे। हम आगे अगर लिखना चाहें, बढ़ाना चाहें इसे, वे एक सच्चे देशभक्त, देशभक्त कौन होता है? जो अपने अपना जीवन देश के लिए समर्पित करते हैं, जैसे कि कहा गया है कि वे उन्होंने अपना पूरा जीवन, गांधी जी से 1916 में वे मिले, उसके बाद से उनके जीवन में बदलाव आ गया, उन्होंने भी अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति को ही देशभक्त कहा जाता है। वे एक सच्चे देशभक्त थे। तो ये रहा हमारा लिखित प्रश्न, इसे नोट कर लें, उसके बाद हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलेंगे। इसे भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है और नोट करना है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान दिया? तो राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था, उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर, सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी, या नेतृत्व कहा किया था। नेतृत्व क्या होता है? लोगों को एक नेता की आवश्यकता होती है जब वे कुछ काम करना चाहते हैं। उस समय महात्मा गांधी भी एक नेता थे, लेकिन वो हर जगह तो नहीं पहुंच सकते थे, तो हर राज्य के अलग अलग नेता नियुक्त किए गए थे महात्मा गांधी जी द्वारा, या हम कहेंगे स्वतंत्रता सेनानी द्वारा। तो उन्होंने 1930 का जो सत्याग्रह आंदोलन था, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया था। 1930 में जो सत्याग्रह आंदोलन चला था, और उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, उस समय हम कहेंगे उत्तरांचल भी जो था उत्तर प्रदेश का ही भाग था, तो बहुत बड़ा राज्य था, उसकी आबादी भी बहुत थी, तो इस राज्य का उन्होंने नेतृत्व किया था कि कैसे हम अंग्रेजों का विरोध करें, सारे लोगों को एकजुट करके। उन्होंने 1930 के सत्याग्रह आंदोलन में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया था, और ये इतनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश को एक अच्छे नेता की ज़रूरत थी, और उनमें एक अच्छे नेता के सारे गुण मौजूद थे, तो उस कारण उन्हें ये जिम्मा दिया गया था, और वे सफल भी रहे। तो मैं अब दूसरे प्रश्न पर चलता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हमारा ख प्रश्न, दो ही लिखित प्रश्न है, तो दूसरे पे आ गए हम लोग। दूसरा है ख, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी कैसे व्यक्ति थे? कैसे व्यक्ति थे? यानी दूसरा है विद्यार्थी ने राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान पूछा है, दूसरा ख है ना, ने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान दिया? क्या योगदान दिया? तो उनके योगदान के बारे में पूछा जा रहा है कि उन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन क्या होता है? तो राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें सभी राष्ट्र ने
जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो संघर्ष किया था, जैसे कि बहुत से संघर्ष, सत्याग्रह आंदोलन 1930 में किया गया था, तो लोगों ने अंग्रेजी नौकरियां छोड़ दी थी और उनके खिलाफ धरना दिया। उन्होंने अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनसे काफ़ी दुखी थे, क्योंकि वो भारतीयों को नीचा दृष्टि से देखते थे, उनकी इज्जत नहीं करते थे। इस कारण से लोग दुखी थे। किसानों पे बहुत अधिक कर बढ़ा दिया गया था, मजदूरों को बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था, कम पैसा मिलता था, तो उनकी जो नीतियाँ थी वो भारतीयों को अच्छी नहीं लगती थी। वे केवल अपने फायदे के ही बारे में सोचा करते थे, न भारतीयों की इज्जत होती थी, न उनको सम्मान मिलता था। तो इस कारण सभी भारतीय एकजुट हो गए थे। वे नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ भारत में रहें, तो अंग्रेज़ों का विरोध उन्होंने किया अलग अलग आंदोलनों से। तो एक सत्याग्रह जो था 1930 का एक बहुत बड़ा आंदोलन था, उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया था, तो एक ये उनका है। दूसरा क्या हो गया, एक उन्होंने कानपुर से एक अखबार निकाला था, उसका नाम था प्रताप, और उन्होंने लेखन में बहुत अच्छे थे, उनकी लेखन का बड़े से बड़े विद्वान भी लोहा मानते थे। तो उन्होंने अंग्रेजी सिला सरकार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया था अपने लेखन से, लोगों को जागृत करना शुरू किया था, लोग जागरूक हो रहे थे अपने अधिकारों को लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध। तो अखबार के माध्यम से भी उन्होंने लोगों को जागृत किया था। अच्छे नेता तो थे ही वे, और उनका योगदान था सांप्रदायिक दंगों, वे सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ थे, सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे। सांप्रदायिकता क्या होती है, दो अलग अलग संप्रदाय के लोग आपस में ही लड़ते हैं। तो उस समय कानपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उन्हीं में इनकी जान भी गई थी। तो सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, वे चाहते थे कि सभी लोग एक साथ रहें, क्योंकि अंग्रेजों की चाल थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय एक साथ मिलकर रहें, वे तो चाहते थे कि ये आपस में ही लड़े, हिंदू मुसलमान आपस में ही लड़ते रहें और उनका ध्यान आज़ादी या अंग्रेजों के विरोध में ना लगे। जब वो आपस में ही लड़ेंगे तो वे अंग्रेज़ों से कैसे संघर्ष कर पाते। अंग्रेज यही चाहते थे कि सांप्रदायिक दंगे हों, हिंदू मुसलमान आपस में ही लड़ते रहें और उनका ध्यान अंग्रेज़ों को भगाने में कम जाए और वो खुद कमज़ोर हो जाते। जो अगर खुद आपस में लड़ने से सांप्रदायिक दंगों के कारण भारत कमज़ोर हो रहा था। तो अब उनकी हमें योगदान के बारे में सारा लिखना है कि उन्होंने कौन कौन सा उनका योगदान था राष्ट्रीय आंदोलन में। तो राष्ट्रीय आंदोलन में हम कहेंगे उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध अखबार प्रताप अखबार से लोगों को प्रेरित किया। दूसरा है उन्होंने कई बार जेल भी जाना पड़ा इसी आंदोलन के कारण, और उत्तर प्रदेश का उन्होंने 1930 के सत्याग्रह आंदोलन में नेतृत्व किया था। ये तीन चीज़ें हम लिखेंगे, छोटा करके लिखेंगे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान दिया, हम कहेंगे गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने अखबार प्रताप, उनके अखबार का नाम था प्रताप से लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध
वाणी तथा 1930 में उत्तर प्रदेश में 1930 में उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया नेतृत्व किया पूर्ण विराम तो हम उनके योगदान को लिख देते कि एक बार इसे नोट कर लें सारे बच्चे इसे सीधा नोटबुक में ही नोट करेंगे वीडियो से जब भी आप देखेंगे इसे सीधा नोटबुक में ही नोट करें तो है प्रश्न है हमारा गणेश शंकर विद्यार्थी ने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान दिया गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने अखबार प्रताप से लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध प्रेरित किया तथा 1930 में उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया तो अखबार से प्रेरित करना और 1930 में सत्याग्रह आंदोलन में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करना तो एक अच्छे नेता थे इस कारण से उन्हें एक बड़े राज्य का जिम्मा मिला था उत्तर प्रदेश का तो एक ये उनके योगदान की हम बात करते हैं तो ये थे हमारे दो लिखित प्रश्न इस पाठ में दो लिखित प्रश्न हैं इसे आपको नोटबुक में लिखना है उसके बाद हम भाषा से व्याकरण से संबंधित हिस्से पे आ जाएंगे ये बहुत आसान है तो खासकर जो प्रश्न होते हैं जब हम प्रश्नों की बात करें तो परीक्षा में आप इसे अपने शब्दों में लिखें जैसे अभी हमने अभी किया हमने कहीं से नोट नहीं किया हमने पाठ से ही इन सबको चुना था एक एक करके लिया शब्द कैसे पता चला हट्टी कैसे थे पाठ के शीर्षक से पता चला कि उनकी हट था साहसी कैसे था कैसे थे उनका पता चला वे अंग्रेजों से के विरुद्ध लड़ते थे क्योंकि अंग्रेज जेल में डाल देते थे लोग अंग्रेज लोगों को फांसी लगा देते जो भी अंग्रेजों का विरोध करता था उस समय अंग्रेज लोगों को जेल में इनको भी जेल बहुत बार जाना पड़ा बहुतों को फांसी पे भी लटका दिया जाता तो वे स्वतंत्रता सेनानी साहसी थे सभी स्वतंत्रता सेनानी साहस उनमें थे वे बिना डरे अपनी जान की परवाह किए बिना ही अपना जीवन लगा देते थे देश के लिए तो इस तरह से हम लोग लिखित प्रश्न को करेंगे परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न आ सकता है तो कोई ये ना सोचे कि पीछे के दो प्रश्न या पीछे के चार प्रश्न अगर हम लोग पढ़ लेते हैं लिख लेते हैं तो हमारा उत्तर हो जाएगा तो आपने ये पाठ पढ़ा है तो किसी भी तरह के लिखित प्रश्न के लिए तैयार है खासकर जो मौखिक मैंने आपको बताया मौखिक तो हमें केवल चर्चा के द्वारा इसलिए ही किया था ताकि हम इसे प्रश्न का उत्तर देना सीख जाए तो ये था हमारा लिखित प्रश्न अब चलते हैं भाषा से ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न होता है और चलो इसी पे चलते हैं भाषा से पढ़ो और समझो भाषा से
पढ़ो और लिखो। पढ़ो और समझो। यह है पहला क, दूर प्लस दशा, दूर जमा दशा, ये बनता है दुर्दशा। ये शब्द हमने देखा था, एक कठिन शब्द में भी ये शब्द आया है, इसका अर्थ भी दिया हुआ है। इसका अर्थ होता है बुरी दशा, बुरी दशा। ठीक इसी तरह और भी शब्द हैं, जरा इन पे ध्यान दीजिएगा। तो ये दुर जो है ये शब्दांश है, शब्द का एक अंश है, ये किसी दूसरे शब्द के आगे जोड़कर उसका अर्थ बदल देता है। यही हम आज सीखेंगे कि दुर क्या है। एक उपसर्ग है, उपसर्ग आगे लगता है, किसी शब्द के आगे लगने वाले शब्दांश को, शब्द नहीं बोल रहे हैं हम, शब्दांश। शब्दांश का अर्थ होता है शब्द का अंश। तो दुर जो है वह शब्दांश है, और किसी शब्द के आगे लगेगा तो उसका अर्थ बदल देता है। जैसे दशा, दशा मतलब स्थिति, और दुर लगा तो बुरी दशा। तो इसको एक बार फिर से समझते, पहले हमें ये भी पता चल जाएगा उपसर्ग होता क्या है। अभी तक हमने व्याकरण में उपसर्ग के बारे में पढ़ा भी नहीं, तो आज हम उपसर्ग के बारे में भी पढ़ेंगे। और ये अच्छा उदाहरण है, अगर इसके उदाहरण में लिख लेता हूँ, बहुत बहुत अच्छा उदाहरण दे रखा है। दुर जमा गंध, ये हो गया दुर्गंध। दुर्गंध इसका अर्थ होता है बुरी गंध, बुरी गंध। और बड़े सारे शब्द दे रखे हैं उपसर्ग दुर से बनने वाले, बड़े सारे शब्द भी दे रखे हैं। तो एक एक करके हम लोग करते हैं। दुर प्लस दिन, दुर रम्य हलंत है, जरा देखिएगा ध्यान से, दुर और दिन, ये होगा दुर दुर्दिन। इसका अर्थ होता है बुरी या बुरे दिन, बुरे दिन दुर्दिन कहलाता है। अगला शब्द है दुर प्लस घटना, ये आपने सुन रखा है दुर्घटना। दुर उपसर्ग दुर लगा है और घटना के आगे जुड़ा है, और दुर्घटना का अर्थ होता है बुरी घटना। दुर्घटना का अर्थ है बुरी या अशुभ घटना। गुरु या अशुभ घटना, बुरी या अशुभ घटना, दुर्घटना। दुर जमा बल दुर्बल, दुर जमा भावना दुर्भाव। तो जो शब्दांश आगे लगता है उसे उपसर्ग कहें। तो कल मैं आपको इसकी उपसर्ग किसे कहते हैं, एक परिभाषा हमें सब बच्चों को पता होनी चाहिए, और ये व्याकरण के पुस्तक में अभी दिया भी नहीं था। अभी तक आपने इसे पहले किसी भी कक्षा में उपसर्ग के बारे में नहीं पढ़ा, तो उपसर्ग के बारे में हम कल विस्तार से पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा लिखवाई जाएगी और इससे संबंधित प्रश्न हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो बच्चों लिखित प्रश्नों को लिख करके याद करना है, यही आज का आपका गृह कार्य है।